वेल हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आवर नेक्स्ट थ्योरम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फील्ड, दैट इज प्रूव दैट आर इज नॉट अ सिंपल फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू, कि क्यू के ऊपर जो एक्सटेंशन है आर वो एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन नहीं होगी। अब सिंपल फील्ड एक्सटेंशन क्या होती है? सिंपल फील्ड एक्सटेंशन हम उसको बोलते हैं जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होती है। तो आर एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन ओवर क्यू नहीं होगी, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो दोस्तों, इसको प्रूव करने के लिए लेट्स स्टार्ट द प्रूफ विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखोगे क्या आर एक एक्सटेंशन है क्योंकि ये डेफिनेटली ये तो होती ही होती है, और अगर कोई आर इसकी एक्सटेंशन है क्योंकि तो क्यू डेफिनेटली क्या हो गया, आर का सब फील्ड हो गया। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। तो प्रूफ में आपको जो सबसे पहली बात लिखनी है वो यही लिखनी है कि सिंस क्यू इज अ सब फील्ड ऑफ आर, सिंस क्यू इज अ सब फील्ड ऑफ आर, क्यू एक सब फील्ड तो है ही ना आर की, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Q इज अ सब फील्ड ऑफ R, तो इसका मतलब ये हुआ कि R क्या है, Q की एक्सटेंशन है। सो R इज एक्सटेंशन ओवर Q। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको R को सिंपल फील्ड एक्सटेंशन बनाना है ओवर Q। अब सिंपल फील्ड एक्सटेंशन तब बनेगी जब R अपने ही किसी एलिमेंट्स के द्वारा जनरेट हो जाए, या फिर इसको लिखने का एक अलग वे भी है, उसको आपको बताता हूँ। ऐसे लिखते हैं जब कोई सिंपल फील्ड एक्सटेंशन की नोटेशन को लिखना होता है, जैसे R इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्यू एंड अल्फा, ठीक है। तो R क्या हो जाएगी, R एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा कहाँ से बिलोंग करता है, अल्फा आर का ही एलिमेंट होता है, और क्यू से कुछ स्केलर उठाते हैं और अल्फा इसका एलिमेंट होता है, यानी कि इस अल्फा एलिमेंट जो आर से लिया है वही आर को जनरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सम कोफिशिएंट्स वी आर टेकिंग फ्रॉम क्यू, है ना। तो ये एक्चुअली होती सिंपल फील्ड। तो ये आर ये सिंपल फील्ड एक्सटेंशन बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, आपको प्रूव करना है। तो अब क्या करें, कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं? तो हम थोड़ा इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूव करना है कि ये एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन नहीं है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि सपोज इफ पॉसिबल उल्टा लेके चलेंगे हम, इसको मान के चलेंगे कि ये एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन है, ठीक है, फिर एट द एंड इसको कॉन्ट्रडिक्शन दिखाएंगे। सपोज इफ पॉसिबल आर इज अ सिंपल फील्ड एक्सटेंशन, आर इज अ सिंपल फील्ड एक्सटेंशन। तो ये हम मान लेते हैं कि आर एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन है किसकी, क्यू के ऊपर, ठीक है, ऑफ क्यू, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि अभी हम लिख के आए हैं कि Q क्या है, Q डेफिनेटली कंटेन्ड करता है किसके अंदर, R के अंदर, एक बात तो ये है। तो अगर ये एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन है, तो मैंने आपको ऊपर बताया कि सिंपल फील्ड एक्सटेंशन को लिखने का ये वे होता है, इस तरीके से हम सिंपल फील्ड एक्सटेंशन को लिख सकते हैं। तो इसका अब हम मान के चल रहे हैं कि R एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई एक अल्फा जरूर R के पास होगा, सच दैट ये जो R है आपका ये इक्वल टू हो जाएगा Q ऑफ अल्फा के, क्योंकि आपने कहा कि R एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन है, ठीक है यहां तक। नाउ अब अगर ये सिंपल फील्ड एक्सटेंशन है, अल्फा R को बिलोंग करता है, दैट इज R इज इक्वल टू Q अल्फा हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा एलिमेंट है ना दोस्तों, ये एक अलजेब्रिक एलिमेंट भी तो हो गया, है ना। तो नाउ या तो क्या होगा, ये जो अल्फा एलिमेंट है, इधर अल्फा ये एक अलजेब्रिक होगा या ट्रांसेंडेंटल होगा, दो केस हो सकते हैं, अल्फा इज अलजेब्रिक और या फिर क्या होगा, अल्फा इज ट्रांसेंडेंटल और ट्रांसेंडेंटल, क्योंकि जो एलिमेंट अलजेब्रिक नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं ओवर क्यू, ठीक है। यानी कि आपने ये बात बोली कि एक्चुअली ये तो आपका आर था, ठीक है, और इस आर के अंदर ये आपका क्या है, क्यू है। तो आर भी आपके पास है, क्यू भी आपके पास है, और आप बोल रहे हैं कि जी ये एक अल्फा एलिमेंट है किसके पास, इस आर के पास, ये आपका आर है और ये है आपका क्या, क्यू। और ये अल्फा एलिमेंट जो आर के पास है, आप बोल रहे हो कि ये अल्फा एलिमेंट या तो अल्जेब्रिक होगा और या फिर अल्जेब्रिक नहीं होगा, और जो एलिमेंट अल्जेब्रिक नहीं होता उसको हम ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। तो दो केस हमने जनरेट यहाँ पे कर लिए। अब देखो दोस्तों, अगर ये एलिमेंट अल्जेब्रिक हुआ तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि जी कोई ना कोई एक पॉलीनोमियल होगा जिसको ये अल्फा सेटिस्फाई करता होगा, और वो पॉलीनोमियल किसको बिलोंग करता होगा, इसकी पॉलीनोमियल फील्ड जो बनेगी क्यू एक्स की, उसको
बिलोंग करता होगा और ये सेटिस्फाई करेगा उस पॉलिनोमियल को, है ना, यही होने वाला है। सो आई कैन राइट आउट नाउ। सो पहली बात मैं मान लेता हूं कि ये एक अलजेब्रिक एलिमेंट ही है, तो फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट सपोज दैट अल्फा इज अलजेब्रिक, दैट अल्फा इज अलजेब्रिक। पहली बात तो अपन ये मान के चलते हैं कि अल्फा क्या है, एक अलजेब्रिक है ओवर क्यू। चलिए जी, अब अगर ये अलजेब्रिक है तो मैंने अभी बोला कि कोई ना कोई पॉलीनोमियल होगा जिसको अल्फा सेटिस्फाई करता होगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि लेट ये कोई एम एक्स नाम का एक पॉलीनोमियल एग्जिस्ट करने वाला है, एम एक्स बी द मिनिमल पॉलीनोमियल, एम एक्स बी द मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ अल्फा ओवर क्यू। तो ये डेफिनेटली कोई पॉलीनोमियल होगा अल्फा का, एंड सपोज दैट, अब हमने ना एक पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी जिससे ये पढ़ा था, जिस थ्योरम में कि अगर अल्फा अलजेब्रिक एलिमेंट है तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो फाइनाइट होती है, ठीक है। तो आप पीछे वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको थ्योरम मिल जाएगी। तो हमने कहा कि एम एक्स कोई पॉलीनोमियल एग्जिस्ट करेगा और जिसको अल्फा सेटिस्फाई करता होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस जो पॉलीनोमियल होगा ना, इसकी कोई डिग्री तो होगी। तो मैं मान लेता हूं कि इस पॉलीनोमियल की डिग्री होगी दोस्तों एन, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, एन मान लेते हैं हम। अगर ऐसा होगा तो देन डेफिनेटली जो इसकी एक्सटेंशन फील्ड हो बनेगी, जैसे ये बनाते हैं हम क्यू ऑफ अल्फा, ये थ्योरम मैं बिल्कुल एज इट इज़ करवा चुका हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं ये थ्योरम, तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अगर अल्फा अलजेब्रिक एलिमेंट है तो इस ये जो एक्सटेंशन फील्ड बनती है क्यू अल्फा क्यू, ये हमेशा क्या होती है, फाइनाइट होती है। इसको लेस देन इनफाइनाइट भी लिखा हुआ है उस थ्योरम के अंदर, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि क्यू अल्फा क्या है, ये आर ही तो है ना, क्योंकि मान के चल रहे हैं हम आर सिंपल है, तो क्यू अल्फा मतलब आर, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर क्यू इज फाइनाइट, इट मीन्स लेस देन इनफाइनाइट, यू कैन राइट आउट लाइक दैट। अब देखो दोस्तों, ये आपको क्या शो करता है कि क्यू जो अल्फा एलिमेंट लिया आपने आर से, वो एक अलजेब्रिक एलिमेंट है। इसका मतलब वो अल्फा कोई आर्बिट्रेरी है, तो अल्फा कुछ भी हो सकता है आर से। तो इसका मतलब जो कंप्लीट आर के ऊपर आप बात बोल सकते हो कि आर इज एन अलजेब्रिक एक्सटेंशन। अगर मैं अल्फा को आर्बिट्रेरी बोल रहा हूं, अल्फा कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि आर क्या बन जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन बन जाएगा ओवर क्यू, है ना। और वैसे भी अगर आपको ये थ्योरम भी तुमने पढ़ी है कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन, है ना, तो आप ये बात भी यहां पे लिख सकते हैं कि फाइनाइट एक्सटेंशन, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज अलजेब्रिक। ये थ्योरम भी मैं आपको करवा चुका हूं, ओके, तो आप देख सकते हैं। तो और ये आपको कि सर आर तो फाइनाइट होता ही नहीं है, भाई आर फाइनाइट नहीं है, बट यहां पे आपने इस ये आर के नाम की जो अलजेब्रिक एक्सटेंशन बनी है वो तो फाइनाइट दिखा रहे हो, वो फाइनाइट है, तो इसका मतलब आर वाली एक्सटेंशन फाइनाइट है। आर एक्सटेंशन फाइनाइट है तो हर भी फाइनाइट एक्सटेंशन अलजेब्रिक होती है, तो आर क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सटेंशन हो गया। और इसका मतलब ये हो गया कि आर का हर एक एलिमेंट, सो एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज अलजेब्रिक। इज अलजेब्रिक ओवर क्यू, तो ये आपने बात बोल दी। अब यहां पे ना एक गड़बड़ हो गई है, वो क्या कि आपने ये बोल दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज अलजेब्रिक ओवर क्यू, एंड विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि आर के पास दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कभी भी किसी पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करते, और वो कौन से होते हैं दोस्तों, देखो, सो हियर यू हैव टू राइट आउट विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज दो एलिमेंट हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी ना अलजेब्रिक एलिमेंट की, अलजेब्रिक एक्सटेंशन की, तब भी ये बात मैं बोली थी, ई एंड पाई दोनों आर को बिलोंग तो करते हैं बट ये कभी भी अलजेब्रिक ओवर क्यू नहीं होते, ठीक है।
e and pi belongs to R are not algebraic over Q, are not, और इनका एग्जाम्पल भी एज इट इज़ मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बहुत अच्छे से करवा रखा है, एल्जेब्रिक ओवर क्यू, और एक क्यू के ओवर एल्जेब्रिक एलिमेंट नहीं बन सकते। आर के ओवर आर एक्सटेंशन है, आर की सब फील्ड आर लोगे फिर ये कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक एलिमेंट बन सकते हैं, बट क्यू के ओवर नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स आप उस थ्योरम के अंदर देख सकते हैं। तो चलो जी, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज किया था कि अल्फा क्या है, एक एल्जेब्रिक ओवर क्यू है। तो ये जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो वापस जाना होता है, वहाँ तक जाना होता है जहाँ पे आपने फर्स्टली सपोज किया था। तो फर्स्टली सपोज मैंने यहीं पे किया था कि अल्फा एक अल्जेब्रिक एलिमेंट है, तो इसका मतलब हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो इसका मतलब अल्फा जो है ना वो अल्जेब्रिक एलिमेंट नहीं है, तो सच दैट अल्फा इज नॉट अल्जेब्रिक। और जो एलिमेंट दोस्तों अल्जेब्रिक नहीं होते वो क्या होते हैं, दैट इम्प्लाइज अल्फा इज ट्रांसेंडेंटल। Am I right here? Transcendental element over Q. तो चलिए जी, यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब अल्फा क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। अब ट्रांसेंडेंटल होगा तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं। अब देखो, अगर अल्फा ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट है तो इसको यहां पे ना थोड़ा अलग तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश कर देंगे। तो मान लो आपके पास रूट टू है और वो डेफिनेटली किसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है। और आपने शुरू में बोला था कि आर क्या है, आर को आप सिंपल फील्ड एक्सटेंशन लेके चल रहे हो, तो आपने कहा था कि आर इज इक्वल टू क्यू अल्फा आप लिख सकते हैं। एम राइट है? अब क्यू अल्फा का मतलब क्या हो जाता है, एक पोलिनोमिल्स की एक टाइप की फील्ड बन जाती है, जिसका जो ऐसे पोलिनोमिल जिनको अल्फा से बनाया गया है। तो मैं मान लेता हूं कि जी ये रूट टू को भी किसी ना किसी पोलिनोमिल की फॉर्म में लिखा जाएगा और वो अल्फा की फॉर्म होगी, और वो मैं मान लेता हूँ कि कुछ ऐसी होंगी ए नोट प्लस ए वन अल्फा वन, अल्फा वन नहीं सॉरी अल्फा, प्लस ए टू अल्फा स्क्वायर अप टू ए एन एंड अल्फा रेज टू पावर एन। एम आई राइट हियर? तो ये हमने इस अंडर रूट टू को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट टू अगर आर को बिलोंग करता है और आर के हर एक एलिमेंट को आप अल्फा की फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कोफिशेंट्स वी आर टेकिंग फ्रॉम क्यू। ये जो ए नोट ए वन ए टू ए मैं ले रहा हूँ ये सारे क्यू के हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हेयर ये जो ए आईज हैं, और अभी मैं बी आईज भी लेने वाला हूँ, तो क्योंकि नीचे वाला मैं एक और पोलिनोमियल में लूँगा बी नोट। अब बहुत से बच्चों के मन में आएगा, सर ये फ्रैक्शन में ही क्यों लिया, सिंपल भी तो ले सकते थे। भाई ये तो अब थ्योरम जिसने प्रूफ किया है ना, अब उसने ऐसा ही लिया है कि फ्रैक्शन में ही इसको सॉल्व करने की उसने कोशिश की है, बी एम एंड अल्फा रेज टू ए एम, सो इसलिए हमें भी यही लेना पड़ेगा, हमारे पास कोई और इलाज नहीं है। तो ऊपर वाले पॉलीनोमियल को बोल देते हैं एफ ऑफ अल्फा और नीचे वाले को बोल देते हैं को दोस्तों जी ऑफ अल्फा, और ये भी जीरो नहीं है, और इसका मतलब ए आई और बी आई दोनों यूज हुए हैं, और ये दोनों कहाँ से लेने हैं आपको, क्यू से लेने हैं। ओके, और ये जो f, ox और gx टाइप के पोलिनोमिल्स की आप यहाँ बात कर रहे हो जिनको अल्फा सेटिस्फाई कर रहे हैं, डेफिनेटली कहाँ से होंगे, ये इस qx नाम की पोलिनोमिल फील्ड को बिलोंग करते होंगे, ये आप सबको पता है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो दोस्तों, अब आपने लिखा कि ये अंडर रूट टू जो है ना, ये आपका लिखा गया एक पोलिनोमियल के फ्रैक्शन में, यानी कि एफ ओफ अल्फा बाय जी ओफ अल्फा की फॉर्म में आपने लिखा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप इन दोनों का स्क्वायर कर दें दोस्तों, तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर अल्फा बाय में जी स्क्वायर अल्फा, और इज इक्वल टू अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा क्या, टू। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जी स्क्वायर अल्फा को उस साइड पर ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पॉलिनोमियल से आपको ये मिलेगा एफ स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टू इंटू जी स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, एंड दैट इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं एफ स्क्वायर अल्फा और माइनस में टू इंटू जी स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब ये एक पॉलिनोमियल बनाया आपने जो कि एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इक्वल टू का साइन है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन बन रही है जिसमें एक एफ फंक्शन है, इसमें जी फंक्शन है। तो अब क्या करें, तो इसको और सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको कोई नाम दे दिया। तो नाउ
कंसीडर द पॉलिनोमियल, नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल, हमने इसको ना एक नाम दे दिया और वो नाम दे दिया h, तो मैंने नाम दिया इसको h ऑफ x, तो h x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये f स्क्वायर, अल्फा की जगह पे सिर्फ x लिखना और कुछ नहीं, माइनस टू एंड g स्क्वायर x, ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर ये एच एक्स है तो फिर ये एच अल्फा बनाएंगे, तो फिर ये क्या बनेगा, एफ स्क्वायर अल्फा माइनस टू इंटू जी स्क्वायर अल्फा, एम आई राइट हियर, ओके। एंड ये इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू जीरो, दिस इज गिवन टू अस। और ये जो पॉलिनोमियल है ये कहाँ से लिया गया है, क्यू ऑफ फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल से लिया गया है। अब ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको इस पॉलिनोमियल को देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें अल्फा पुट किया गया और आंसर जीरो आ रहा है, ऐसे ही लग रहा है ना। तो इसका मतलब ये ऐसे लग रहा है कि अल्फा इज अ रूट ऑफ एच एक्स, दैट इंप्लाइज अल्फा इज अ रूट ऑफ एच एक्स, ये लग रहा है। सो इसका मतलब अल्फा इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो नाउ वी क्लेम दैट, हम यहाँ पे क्लेम करते हैं कि ठीक है जी अल्फा इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट ये जो पॉलिनोमियल खुद है ना ये खुद जीरो नहीं है, यानी कि अल्फा पुट करने से ही जीरो आ रहा है। अब हम कैसे बताएं कि जी ये एक्स पे जीरो आएगा, हो सकता है एक्स पे जीरो आ जाए तो, बट हम इस चीज़ को श्योर करेंगे कि भैया एक्स पे जीरो, ये पॉलिनोमियल खुद जीरो नहीं है, अल्फा पुट करने से ही जीरो आता है, यानी कि अल्फा ही इसको सेटिस्फाई करने वाला है। तो वी क्लेम दैट कि जो ये एच एक्स नाम का पॉलिनोमियल आपने लिया है ये भैया खुद जीरो नहीं है, ओके। सो वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि ये जो एफ है ना इसकी डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, एन, और अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ जी की तो वो क्या है, एम। चलिए जी, अब ये दो डिग्रीज का मतलब क्या है, क्या पता क्या चल रहा है इससे हमें, इससे हमें एक कहानी का पता चल रहा है कि अगर ये दो पॉलिनोमियल्स को मिला के एक नया पॉलिनोमियल एच एक्स बनाया गया है तो, और उन दोनों की डिग्री अलग अलग है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कोई ना कोई तो रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास केस जनरेट होता है, एक केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में कहते हैं कि भैया अगर जो है ना इफ़, क्योंकि एम और एन के बारे में पता नहीं है, अगर एन बड़ा होगा एम से, ध्यान दीजिएगा, अगर एन बड़ा होगा एम से तो क्या होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री तो बड़े वाले की होगी ना। अब देखो एक्चुअली क्या है कि ये जो एफ वाला है, यहाँ पीछे आप देखिए कहाँ तक जा रहा है आपका पॉलिनोमियल, एफ की पावर अल्फा की पावर एन तक, ये अल्फा की पावर एम तक। मैं कहूँगी अगर ये बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है डिग्रीज पूरे पॉलिनोमियल की यही रहेगी ना जो ऊपर वाले की है। तो अब इस पॉलिनोमियल को आपने ट्वाइस, ये बन गया एच एक्स इज इक्वल टू एच टू एक्स और जी टू एक्स। अब मैं कह रहा हूँ कि एन अगर बड़ा है तो डेफिनेटली ये टू टू पावर तो है ही इसकी, बस साथ में क्या लगा दो, एन लगा दो। तो देन अगर ये बड़ा है तो देन जो डिग्री बनेगी किसकी दोस्तों, एच ऑफ एक्स की, वो क्या बन जाएगी, टू ऑफ एन बन जाएगी, ओके। और दूसरा केस जनरेट हो गया आपके पास, केस नंबर सेकंड, अगर मैं ये कहूँ दोस्तों कि एम बड़ा है एन से, तो इस केस में आपका क्या कहेंगे कि जी इस केस में जो डिग्री ऑफ एच एक्स है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, टू एम हो जाएगी इस बार। और केस थर्ड भी तो जनरेट हो सकता है ना, और उस केस में हम क्या कहेंगे कि अगर n और n m जो है वो बराबर हो जाएं तो क्या होगा। तो इसमें देखो भैया लीडिंग कोफिशेंट ऑफ, इसमें आपको ये नहीं बताना कि डिग्री कितनी होगी, इसमें आप ये कहेंगे कि जो इसका लीडिंग कोफिशेंट होगा, लीडिंग कोफिशेंट किसका ऑफ इस जो एच एक्स टाइप का पॉलिनोमियल आपने बनाया है वो क्या रहेगा, वो यही रहेगा ए एन स्क्वायर और माइनस टू बी एम स्क्वायर, ओके। ए एन बी एम थे लास्ट आपने देखे होंगे, अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो कोई बात नहीं, भी फंक्शन का स्क्वायर है ना पूरे एफ एक्स, एफ अल्फा कहाँ तक था लास्ट पे, क्या था ए एन अल्फा एन है ना, तो ए एन तो था ही, अब ऊपर स्क्वायर है तो भाई ए एन का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो उसका कोफिशिएंट जनरेट हुआ। तो लगभग थ्योरम हमारी हुई फिनिश यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अब देखो आप इस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो, सपोज ए एन स्क्वायर और माइनस में टू बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू लास्ट वाली जो लिखा ना कॉफिशेंट वाली बात उसको लिख रहा हूँ, कि मान लो कि ये जो कॉफिशेंट है ये खुद ही जीरो है, ठीक है।
अगर ये कॉफिशेंट खुद जीरो है तो इसका मतलब आप लिखोगे कि ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, टू ऑफ बी एम स्क्वायर। इसका मतलब आपका जो अंडर रूट टू लिया था आपने, ध्यान देना मेरी बात पे, जो अंडर रूट टू लिया था आपने वो आपका क्या बना, ए एन बाय बी एम, या आप उसको छोड़ो, इसको इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने से लिख सकते हो आप ए एन बाय बी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एन स्क्वायर ऐसे लिख दो ना, ए एन स्क्वायर बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू। और अगले स्टेप में आप लिख सकते हो कि जी ए एन बाय बी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू। और ये अंडर रूट टू वही है जो अपने शुरू से लिया था। अब ये अंडर रूट टू तो एक्चुअली कहाँ से, दो पॉलीनोमियल की हेल्प से जनरेट किया था अपने, बट ये तो एक ये तो कॉन्स्टेंट है ना। ए एन बी एम किसको बिलोंग करते हैं, क्यू को, यानी कि ए एन भी किसका है और बी एम भी किसका है, दोनों क्यू को बिलोंग करते हैं, है ना। और ये अंडर रूट टू, ये दोनों क्यू को बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली अंडर रूट टू किसको बिलोंग कर गया, यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि जी ये अंडर रूट टू बिलोंग कर गया क्यू को, बट ये तो अंडर रूट टू तो क्यू को बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में कैसे आ सकता है। तो इसका मतलब ये एक स्पेसिफिकली कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, सो इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब जैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन हुई तो हम चलते हैं वापस कि हमने गलत क्या लिया, ठीक है। तो इसका मतलब दैट इम्प्लाइज ये जो एच एक्स टाइप का पॉलिनोमियल था ये जीरो नहीं होगा, हमने जीरो लिया था दोस्तों, ये यही क्लेम किया था हमने। यहाँ पे देखो हमने कहा था वी क्लेम दैट कि ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको हमने प्रूव कर दिया क्योंकि अगर ये इज इक्वल टू खुद जीरो होगा तो पॉसिबिलिटीज क्या बन जाएंगी। इसको मैंने लास्ट पे देखो ये इक्वल टू जीरो है तभी तो इस इन दोनों कॉफिशेंट्स की जो भी इक्वेशन बनी उसको इक्वल टू जीरो रखा एज माई पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो होगा तो फिर ये कहानी ऐसी बन जाएगी, अंडर रूट टू तो रैशनल नंबर दिखने लगेगा और वो गलत बात है, तो इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं हो सकता। चलो ये बात हमने प्रूव कर दी। एंड बट एच में अगर अल्फा पुट करोगे ये जीरो आएगा, ये आपने दिखा दिया। अब ये क्या हो रहा है, एच में अल्फा पुट करने से जीरो आ रहा है भाई। अल्फा तो एक अल्जेब्रिक एलिमेंट, सॉरी अल्फा अल्जेब्रिक एलिमेंट है ही नहीं क्योंकि जो अल्जेब्रिक एलिमेंट वाला फर्स्ट वाला पार्ट अपने प्रूव कर, दूसरी बात अब अपन लेके चल रहे हैं कि अल्फा एक ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट है। यहाँ से यही बात शुरू हुई थी ना, अल्फा इज नॉट अल्जेब्रिक, अल्फा इज ट्रांसेंडेंटल। इसका मतलब अल्फा किसी पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो अब आप ये बहुत बात बोल रहे हो इधर, दैट इंप्लाइज अल्फा इज अल्जेब्रिक, अल्फा इज अल्जेब्रिक ओवर क्यू, और ये तो सरासर कॉन्ट्राडिक्शन होगी, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि अभी आपने बोला कि ये अल्जेब्रिक ओवर क्यू नहीं है, सो दैट इंप्लाइज अल्फा इज, हमने सपोज क्या किया था कि अल्फा एक ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट है और यहाँ पे आप अल्जेब्रिक एलिमेंट है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो हेंस ऑल द कॉन्ट्राडिक्शन शोज दैट आर इज नॉट इक्वल टू क्यू अल्फा। अब देखो कहानी क्या है, हम वापस चलते हैं थोड़ा इसको फ्लैशबैक में, कि आपने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ लेट की थी वो क्या थी, वो चीज़ ये थी दोस्तों कि R इज इक्वल टू क्यू अल्फा, ये आप सिंपल फील्ड एक्सटेंशन लेके चले थे। फिर इसके आपने दो केस बनाए, तो पहला केस भी आपका कॉन्ट्राडिक्शन से फेल हो गया, दूसरा केस भी आपका कॉन्ट्राडिक्शन से फेल हो गया। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्शन हो गई हैं तो इसका मतलब ये जो पोजिशन थी आपकी यही रॉन्ग थी, है ना। तो एट दी एंड हम बोल सकते हैं कि जितनी भी पहली कॉन्ट्राडिक्शन हुई फिर दूसरी भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब ऑल द कॉन्ट्राडिक्शन आर शोइंग कि R इज नॉट इक्वल टू क्यू अल्फा, हेंस ऑल द कॉन्ट्राडिक्शन शोज, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी, ये बात फेल होगी, सो हेंस ऑल द कॉन्ट्राडिक्शन शोज दैट R इज नॉट इक्वल टू क्यू अल्फा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो R है वो एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन नहीं है, सो दैट इंप्लाइज R इज नॉट अ सिंपल फील्ड एक्सटेंशन, R इज नॉट अ सिंपल फील्ड एक्सटेंशन, और यही आपकी थ्योरम थी दोस्तों, हैंड्स प्रूव्ड हुई। ओके, तो फिर से थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते ताकि आपको ऑन टिप्स याद हो जाए। तो इसको करने के लिए सिर्फ आपको ये करना है कि सबसे पहले मान लो कि R एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन है, जैसे आप सिंपल फील्ड एक्सटेंशन मानोगे तो आपके माइंड में सबसे पहली बात आएगी R इज इक्वल टू क्यू अल्फा, फिर आप देखोगे कि अल्फा एलिमेंट कहाँ से लेते हैं, R से लेते हैं,
तो ये आर का जो एलिमेंट है अल्फा, ये दो केस जनरेट करेगा, या तो ये अल्जेब्रिक होगा या नहीं अल्जेब्रिक होगा। अगर ये अल्जेब्रिक होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉलीनोमियल होगा एम एक्स नाम का, जिसको ये सेटिस्फाई करता होगा। बट हमने एक थ्योरम की थी कि अगर कोई अल्फा अल्जेब्रिक एलिमेंट है तो उसके ऊपर जो एक्सटेंशन बनती है वो हमेशा फाइनाइट होती है। तो हम उस बात को लिखेंगे कि जी एम एक्स का पॉलीनोमियल होगा, उसको अल्फा सेटिस्फाई करता होगा, और यहाँ पे कोई एक अल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगी क्यू अल्फा क्यू वाली, और वो फाइनाइट होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं कि फाइनाइट एक्सटेंशन तो क्या होती है, अल्जेब्रिक एक्सटेंशन होती है। तो इसका मतलब आर एक अल्जेब्रिक एक्सटेंशन बन गई ओवर क्यू, बट आर अल्जेब्रिक एक्सटेंशन बन जाएगी ओवर क्यू का मतलब होगा कि आर का हर एक एलिमेंट अल्जेब्रिक एलिमेंट होगा। अब आर का हर एक एलिमेंट अल्जेब्रिक एलिमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर दो ऐसे बैठे हुए हैं ई और पाई जो कभी भी ओवर क्यू अल्जेब्रिक नहीं होते, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होगी। इसका मतलब अल्फा जो है वो अल्जेब्रिक एलिमेंट नहीं है, तो अल्फा अल्जेब्रिक नहीं है तो अल्फा क्या होगा, ट्रांसेंडेंटल होगा। अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ से थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि अंडर रूट टू को लेकर चलना है। अब मान लो कि अंडर रूट टू एलिमेंट है और उसको आपने ऐसे लिख देना है ऊपर नीचे दो पॉलीनोमियल की फॉर्म में, एक को नाम ले देना अल्फा एफ ऑफ अल्फा, एक को ले देना जी ऑफ अल्फा, ठीक है। फिर स्क्वायर करेंगे इक्वल टू टू और इसकी एक इक्वेशन बना लेंगे और उस इक्वेशन को नाम रख देंगे क्या, एच ऑफ अल्फा, ठीक है। अब कहोगे कि जी एच ऑफ अल्फा ऐसा है तो यानी कि इसके पीछे को पॉलीनोमियल होगा एच ऑफ एक्स, जिसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब आपने कहा कि एच ऑफ एक्स अगर पॉलीनोमियल है तो हो सकता है पॉलीनोमियल खुद ही जीरो, तो उस चीज़ को आप थोड़ा यहाँ पे सेटिंग करने के लिए बोलेंगे कि हम क्लेम करते हैं कि एच एक्स खुद जीरो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आप केस बनाते हैं तीन। पहला केस तो एन ग्रेटर देन एम, एम ग्रेटर देन एन, इसमें डिग्रीज की टू एन होगी, इसमें डिग्रीज की टू एम होगी। थर्ड केस बनाएंगे आप, दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, बराबर होंगे तो ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट ये होगा। अब आपने कहा कि जी ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं कि इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये तो बन जाएगा अंडर रूट टू बिलोंग्स टू क्यू, और ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब एच एक्स जीरो हो ही नहीं सकता। अब एच एक्स जीरो नहीं हो सकता तो एंड बट एच अल्फा इक्वल टू जीरो है। अब एच अल्फा इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है कि अल्फा किसी पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो पॉलीनोमियल ओवर क्या है, क्यू। इसका मतलब अल्फा अल्जेब्रिक है ओवर क्यू, ये तो बात गलत है क्योंकि अल्फा तो ट्रांसेंडेंटल है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो सारी कॉन्ट्राडिक्शन को मिला के आप ये बात बोल सकते हैं कि जो पहली बात अपन लेट की थी ना आर इज इक्वल टू क्यू ऑफ अल्फा, वही गलत थी, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरम गाइज, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉच कीप स्पॉट एंड थैंक यू सो मच।